हेलो गाइस, आज मैं वन शॉट एफएफ लेकर आई हूं। गाइस एक बात सुनिए, वीडियो को आगे मत कीजिएगा। कोशिश करूंगी कि कोई भी मोमेंट बोर ना जाए, मतलब बोरिंग ना हो। आप लोगों के लिए कुछ अलग सा डिफरेंट सा और शॉर्ट सा एफएफ लाई हूं। बहुत मुश्किल से मैंने इसे शॉर्ट किया हुआ है, तो चलो फन फैक्शन स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मेरी बात सुनिए, इस एफएफ में विंग जो यंग है, मतलब छोटी उम्र का है, तो इसमें इमेजिनेशन में विंग को ऐसे रखना, जो कि सामने आप लोग की पिक आ रही है ना, विंग को इसी तरह रखना। विंग इसमें ऐसा है, विंग अभी मैट्रिक में ही है, मतलब 10th क्लास। विंग अभी तक मैट्रिक में ही है। और लेंथ की बात करें तो लेंथ को ऐसा रखना जैसे आप लोगों के सामने आ रहा है, ये है लेंथ, ठीक है। तो चलो फन फैक्शन स्टार्ट करते हैं। वो इसमें विंग ओमेगा है और लेंथ एक अल्फा है, तो चलो फन फैक्शन स्टार्ट करते हैं। हमारा फन फैक्शन शुरू होता है हमारे विंग की तरफ। विंग जो जोर जोर से सांस ले रहा था, विंग मोइन करता है, और विंग जो उस मोइन में ही बोता है आराम से, प्लीज़ मुझे दर्द हो रहा है प्लीज़। तो विंग ऐसा बोता है, तो दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, आराम से करो, क्या तुम्हें फर्स्टली पसंद नहीं है। तो विंग जो करता है और बोलता है, आज नहीं, आज बहुत दर्द हो रहा है। विंग ऐसा बोलता है, तो इसी में जो दूसरा पर्सन स्माइल करता है, एक देवर, और बोलता है, जैसे तुम्हें पसंद। और विंग जो ये सुनता है, तो विंग जो स्माइल करता है, और इसमें जो विंग अचानक से अपनी आँखें खोता है, और विंग जो अपने फोरहेड पर हाथ लगाता है, तो विंग जो इतना पसीना पसीना हो गया था, विंग जो फिर यहाँ वहाँ देखता है, विंग के बेड पर कोई भी नहीं था। विंग जो बोलता है, फिर से वही सपना। विंग ऐसा बोलता है, और विंग जो टाइम को देखता है, तो विंग बोलता है, ओह 7 बज गए। और विंग जो उठता है, तो विंग आउच करता है, और विंग अपने बैग पर, विंग अपने कमर पर हाथ रख देता है, और विंग आउच करता है, और बोलते हैं, आज भी मेरे बैग में दर्द हो रहा है। और विंग जो बहुत मुश्किल से बैठ जाता है, और विंग जो बोलता है, ये क्यों मेरे बैग में दर्द होता है, भाई को बताऊँ, तो भाई सिर्फ पेन किलर ही हाथ में दे देता है, और बोलता है, पेन किलर खाओ ठीक हो जाएगा, कितने दिनों से मुझे दर्द हो रहा है, पर भाई बिल्कुल भी मुझे हॉस्पिटल नहीं ले जा रहे हैं। तो विंग जब फिर टाइम को देखता है, और बता है, उठो विंग देर हो रही है। अगर विंग जो जल्दी से उठ जाता है वॉशरूम, स्कूल के तैयार होने के लिए वॉशरूम चला जाता है। जैसे में जो हमें हमारा सीन करता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि विंग बिल्कुल रेडी हो गया है, और विंग का जो विंग की दोस्ती कॉल आ गई है, विंग जो उससे बात कर रहा है कि हाँ हमें बस निकल रहा हूँ। विंग जैसे बोलकर अपना मोबाइल कॉल काट देता है, मोबाइल पॉकेट में रख देता है, और उनसे बाहर निकलता है, और उनसे बाहर निकलता है, तो जब विंग देखता है सामने ही जो विंग का भाई ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहा था। विंग जब देखता है तो ब्रेकफास्ट बिल्कुल रेडी था, और विंग अपने भाई को देखता है, विंग भाई को देखता है स्माइल करता है। तो विंग का भाई जो ब्रेकफास्ट डाइनिंग टेबल पर रख रहा था, वो देखता है कि विंग आ गया, तो विंग का भाई जो स्माइल करता है, और बता है विंग तो उठ गए। तो विंग जो सर हिलाते हैं, बोलते हैं, हाँ भाई मैं उठ गया हूँ। तो भाई बोलता है, आओ विंग, मैं तुम्हें ही जगाने के लिए आने वाला था, अच्छा वो जो तुम उठ गए, आओ ब्रेकफास्ट करते हैं। विंग जो फिर जाता है, बैठ जाता है, और विंग का भाई जो विंग के लिए ब्रेकफास्ट लगाता है। तो विंग जैसे ही चेयर पर बैठता है, तो विंग आउच करता है, क्योंकि विंग के बैग में दर्द हो रहा था। विंग का भाई विंग को देखता है, तो विंग जो अपने भाई को देखता है, तो विंग का भाई विंग को बोलता है, विंग तुम्हें आज भी दर्द हो रहा है। तो विंग सर हिलाता है, बोलता है, तो विंग का भाई विंग को बोलता है कि ठीक है ब्रेकफास्ट कर लो, फिर मैं तुम्हें पेन किलर देता हूँ। तो विंग अपने भाई को देखता है और मुंह बना देता है, और बोलता है, भाई इतने दिनों से मुझे दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों दर्द होता है, और आप मुझे डेली एक पेन किलर दे देते हो। तो भाई विंग को बोलता है, विंग क्या तुम्हें पेन किलर से आराम नहीं आता है। तो विंग भाई को देखता है, विंग बोलता है, आता है, बट ये डेली दर्द होता है, क्यों दर्द होता है मुझे कुछ समझ नहीं आता है, आखिर मुझे क्यों दर्द हो रहा है। तो विंग जैसा बोलता है, अपने भाई को देखता है, विंग का भाई जो विंग को देख रहा था, और जो विंग को ब्रेकफास्ट देता है, और बताए क्यों दर्द हो रहा है, बोलता तुम्हें पता होना चाहिए क्यों दर्द हो रहा है तुम्हें बैक में। तो विंग जो अपने आंखें नीचे कर देता है, और बताए मुझे नहीं पता भाई कि क्यों दर्द हो रहा है। तो विंग का भाई फिर विंग को बताए, ओके तुम टेंशन मत लो, ओके तुम ब्रेकफास्ट करो, मैं तुम्हें पेन किलर देता हूँ। तो विंग जो फिर से पेन किलर का सुनता है, तो विंग को फिर से मुँह बना लेता है। तो इसी में जो विंग ब्रेकफास्ट करने लग जाता है, जैसे हमारा सीन करो जाता है, विंग जो अपने भाई को भी देखता है, मुंह बना हुआ होता है विंग का, और विंग जो ब्रेकफास्ट भी कर रहा है। तो इसी में हमारा सीन करो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि विंग स्कूल पहुंच गया है, और विंग जो अपने दोस्तों को हाई करता है और जाता है अपनी सीट पर जाता है, और विंग के जो दोस्त है वो विंग के पास आ जाते हैं, क्योंकि क्लास में एक टीचर नहीं आई होती है। विंग जो बोलता है, थैंक गॉड टीचर नहीं आई है, नहीं तो आज मुझे डांट पड़ जाती। तो वो स्टूडेंट बोलता है, विंग बस भी करो, तुम्हें वैसे भी टीचर कुछ नहीं कहते, ओके, क्योंकि इस स्कूल के टॉपर हो तो तुम्हारी गलतियाँ ये लोग इग्नोर ही करते हैं। तो विंग जो स्मार्ट करता है, तो फिर दूसरा दोस्त बोलता है, विंग अगर तुम कैसे कर लेते हो, तुम ये पढ़ाई कैसे कर लेते हो, मुझसे तो ये नहीं होता है, मैं बुक उठाता हूँ तो मुझे नींद आ जाती है, और फिर जब मोबाइल उठाता हूँ तो वो नींद गायब हो जाती है, फिर बुक उठाता हूँ तो फिर नींद आती है, कुछ पढ़ता हूँ तो कुछ समझ नहीं आता है, और जब याद हो जाता है तो वो जो उसी वक्त वो जो अगले दिन भूल जाता हूँ मैं। तो विंग जो अपने दोस्त को देखता है और बोलता है, तुम फ्यूचर में करना क्या चाहते हो। तो वो दोस्त बोलता है, तुम्हें तो पता है मुझे अपने डैड का बिजनेस संभालना है। तो विंग जो स्माइल करता है और बोलता है, यही तुम्हें पता है कि तुम्हें आगे जाके अपने डैड का बिजनेस संभालना है, तो इस वजह से तुम्हें इतनी फिक्र नहीं है, पर मुझे आगे जाके कुछ बनना है।
मुझे एक बहुत बड़ा आदमी बनना है। मुझे तुम्हें पता है ना कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। तो दोस्त जो इनको देखता है वो बोलता है पता है हमें कि तुम्हें पायलट बनना चाहते हो। और दूसरा दोस्त जुस्मान, तो सारे दोस्त जुस्मान करते हैं और बोलते हैं, रिंग भी जुस्मान करता है, बोलता है हाँ मैं पायलट बनना चाहता हूँ। और वो क्यों बनना चाहता हूँ? तो दूसरा दोस्त बोलता है ताकि तुम हर जगह जा सको फ्री में और तुम्हें जो रिस्पेक्ट मिलती रहे। तो विंग जुस्मान करता है और बोलता है हाँ मैं एक पायलट बनना चाहता हूँ। और इसी वजह से जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे फ्यूचर में पायलट बनना है। तो इसी में जो एक दोस्त विंग को बताए, विंग क्या तुम अकेले ही दुनिया घूमना चाहते हो? तो विंग जो अपने दोस्तों देखता है और बोलता है मतलब, तो वो दोस्त जो विंग को देखता है और बोलता है मतलब, और फिर वो दोस्त दोस्ता सबसे फर्स्ट क्लास के सब आगे फर्स्ट बेंच पर एक लड़का बैठा हुआ था। तो वो दोस्त उसकी तरफ इशारा करता है और बोलता है तुम इस क्लास के टॉपर हो और तुम्हारे बाद जो टॉप आता है वो लड़का है और मैंने सुना है कि वो भी आगे जाकर पायलट ही बनना चाहता है। तुम दोनों का सपना एक ही है। तुम दोनों पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हो। कहीं तुम दोनों चुपके चुपके डेयर तो नहीं कर रहे हो ना, एक दूसरे को डेयर तो नहीं कर रहे हो? तो वही जो शौक में हो जाता है बोलते क्या मैं और वो? तो इनका दोस्त बोलता है हाँ जरा देखो तो। और फिर बोलता है अब देखना वो तुम्हें ज़रूर दिखेगा। तो सब दोस्त जो उसी लड़के को देखते हैं, वो लड़का जो बुक में लगा हुआ था, बुक लिख रहा था, किसी दौरान वो अपना फेस पलटता है और विंग की तरफ देखता है। तो सब जो इधर उधर देखने लग जाते हैं, विंग शौक में हो जाता है। वो लड़का जिसका नाम जॉन है, वो जो विंग देखता है कि विंग मुझे ही देख रहा था, तो वो शौक में हो जाता है कि विंग मुझे ही देख रहा था। तो वो जो एक से स्माइल करता है, तो विंग भी उसको देख कर स्माइल करता है। और विंग के आसपास दोस्त खड़े थे, वो लोग जो यहाँ वहाँ देखने लग जाते हैं। तो इसमें जो जॉन जो कि विंग का एक तरफा लवर है, वो जो फिर से अपने विंग से नज़र हटा देता है, अपनी बुक की तरफ ही देखता है। तो विंग के पास जो विंग के दोस्त खड़े थे वो विंग को चढ़ाने लग जाते हैं और बताए देखा हमने तुम्हें कहा था ना, तुम्हें पता है ये तुम्हें तो पता है ना कि ये तुम्हें, तो विंग बोलते हैं हाँ हाँ मुझे पता है कि ये मुझे क्लास में बस देखता ही रहता है, ये तुम लोग मुझे कितनी बार कहोगे और क्यों मुझे तुम तंग करते हो, मैं उसके लिए वैसा फील नहीं करता हूँ। तो विंग का दोस्त बोलता है तुम फील नहीं करते हो, बट वो तो करता होगा ना, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि वो तुम्हारे लिए कुछ अलग फील करता है? तो विंग जो जॉन को देखता है, जॉन जो बुक रीड कर रहा था, तो जॉन जो फिर से अपना फेस पलटता है और विंग को देखता है, विंग जो जॉन को देख रहा था, जॉन जो फिर से विंग को देखता है और फिर से जॉन जो घबरा जॉन जो शौक में जाता है, तो वो फिर से अपना फेस आगे कर लेता है कि विंग तो मुझे ही देख रहा है। और जॉन जो फिर से आगे देखने लग जाता है, विंग जो किसी सोच में भर जाता है, विंग बोलता है क्या सच में ये मेरे लिए वैसा फील करता है? तो विंग का दोस्त, विंग के जितने दोस्त आसपास खड़े थे वो बोलते हैं हाँ हमें तो यही लगता है, क्योंकि वो जिस तरह तुम्हें पूरा दिन देखता रहता है, तो हाँ कोई भी बोल सकता है कि वो तुम्हारे लिए क्या फील करता है, कि तुम्हें उसकी आंखों में अपने लिए प्यार नज़र नहीं आता है। तो विंग जो उस पर्सन विंग जॉन को ही देख रहा था, जॉन जो अपनी ग्लास स्टिक कर रहा था और पेन के साथ पेन को गोल गोल अपने फिंगर्स में घुमा रहा था और उसके हाथ में जो बुक पकड़ी हुई थी और विंग उसी को देख रहा था। तो विंग जो किसी सोचने पर जाता है, तो इसमें जो हमारा सीन कर जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं। टीचर जो अनाउंसमेंट कर देती है कि अपने एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि एग्जाम्स बस 3 महीने बाद होने ही वाले हैं, तो अपने एग्जाम की तैयारी रखो ताकि बाद में तुम लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ओके? और वो टीचर जो विंग को ही देख रही थी, तो विंग जो एग्जाम का सुनता है तो विंग थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि लाइक बच्चे ही जो डर जाते हैं और जो नालायक होते हैं उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो विंग जो घबरा जाता है। तो इसमें जो हमारा सीन करो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि ये क्लास भी ख़त्म हो गई और विंग के दोस्त जो अब बैठे हुए हैं क्लास में सब स्टूडेंट तो चले गए, बट विंग और विंग के दोस्त थोड़ी देर से क्लास से बाहर निकलते हैं। तो विंग जो बैठा हुआ था और विंग के दोस्त भी, तो विंग का दोस्त विंग अपने दोस्तों को बताए कि तुम लोग भी अपने एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर लो और बेफजूल की नाइट बार में मत जाया करो, एग्जाम्स आने वाले हैं, इन्हीं के बाद में फिर तुम लोगों को प्रॉब्लम होगी, फिर अच्छा एक साथ सब कुछ, फिर इतना सब कुछ एक ही दिन में याद नहीं होता है। तो वो दोस्त जो विंग को देखते हैं और बोलते हैं हाँ मैं भी सोच रहा हूँ कि 2 महीने बाद तैयारी स्टार्ट कर लेता हूँ, कुछ पढ़ लेता हूँ। तो दूसरा दोस्त बोलता है कि जब हमें डेट का पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम इस डेट को है, तो हम फिर उस दिन से पढ़ना शुरू कर देंगे। तीसरा दोस्त बोलता है और मुँह बना लेता है, बोलता है कि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं मतलब उन दिनों नाइट बार जाना बंद। तो विंग जो अपने दोस्त को देखता है और बताए कि तुम इतने अपसेट क्यों हो रहे हो, अगर तुम्हें एग्जाम के दौरान तुम्हारे पेरेंट्स नाइट बार में जाने नहीं देते हैं तो तुम क्यों इतना मुंह फुला रहे हो, सिर्फ एग्जाम्स के ही तो दिन तुम्हें, वो लोग एग्जाम्स के दिनों में ही तो तुम्हें पर इतनी पाबंदी होती है, वैसे तो तुम जो चाहते हो करते हो। तो पहले वाला दोस्त बताए हाँ तुम्हें सिर्फ एग्जाम्स के ही दिन पेरेंट्स एग्जाम्स के ही दौरान जो पेरेंट्स नाइट बार में जाने नहीं देते तो तुम इतना मुंह फुला रहे हो, विंग को देखो, विंग को तो अलाउ ही नहीं है बाहर जाना, रात के 8 बजे इसको अपने घर में ही होना होता है और फिर उसके बाद विंग का बाहर जाना बंद। तो विंग जब अपने दोस्त को देखता है और सर सफेद बना लेता है, बोलता है तो वो तीसरा दोस्त विंग को देखता है और बोलता है विंग तुम बहुत बहादुर हो, तुम कैसे कर लेते हो यार, मैं तो घर में एक सेकंड के लिए भी नहीं रह सकता हूँ, मुझे घुटन होती है,
नाइट बार जाना, रात को बाहर फिरना बहुत अच्छा लगता है। नाइट बार में बहुत मज़ा आता है, डांस होता है, वाइन, कोल्ड ड्रिंक बहुत इन्जॉय करते हैं हम लोग। तो भी जो अपने दोस्त को देखता है और फ्रेंड सा फेस बना लेता है और बताए तुम लोग क्यों मेरे सामने ये बातें करते हो, तुमको पता है ना जब अच्छा नहीं लगता है। तो विंग का दोस्त, पहले वाला दोस्त बोलता है कि विंग तुम बहुत अच्छे हो जो तुम अपने भाई की बात सुनते हो, नहीं तो हमें देखो हमारे फादर और मदर हमें मना करते हैं बट हम उनकी नहीं सुनते हैं, तो भाई की कहाँ सुनेंगे। बट तुम्हें देखो तो मुझे हैरत होती है जो तुम अपने भाई के सामने कुछ बोलते भी नहीं हो, वो तुम उसने तुम्हारे भाई ने तुम पर इतनी पाबंदियाँ लगाई हुई है और तुम जो बिल्कुल भी अपने भाई की बात को कट नहीं करते हो, अपनी नहीं करते हो और अपने भाई की ही सुनते हो। वाह विंग वाह, तुम्हारे जैसे भी भाई होते, काश मेरा भाई, मेरा छोटा भाई भी तुम्हारी तरह हो ताकि मेरी ही बात सुने, मैं जैसे चाहूँ वो वैसा ही रहे। तो विंग जो उसको देख रहा था अब बताएं, ओह प्लीज़ अपने उस भाई पर इतना जुल्म मत करना, मेरी किस्मत टूटी है जो मुझे ऐसा भाई मिला है, पर तुम अपने छोटे भाई की ज़िंदगी मत बर्बाद करना, ओके। तो विंग का दोस्त, विंग के सब दोस्त विंग को देख रहे थे और फिर हंस रहे होते हैं। तो इसी में जो पहले वाला दोस्त बताए, विंग वैसे भी एग्जाम्स दूर है, क्यों ना आज रात तुम मेरे घर पे। तो विंग जो मुँह बना लेता है और बताए तुम्हारे घर पे और रात को तुम, ओह तुम मेरे भाई को जानते हो ना, वो तुम तो मेरे भाई को जानते हो ना, तुम फिर भी ऐसा बोल रहे हो। तो विंग का दोस्त बताए, विंग मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम तुम्हारे भाई को बोले कि हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो विंग जो बोलता है, मेरा भाई बिल्कुल नहीं मानेगा तो तुम रहने ही दो। तो विंग के दोस्त जो विंग को देख रहे थे हंस रहे थे, तो इसमें जो हमारा सीन करा जाता है, हमें दिखाते हैं कि विंग के और विंग के दोस्त जो अब आफ्टर मतलब अब क्लास से बाहर निकल गए हैं और घर जाने का जो इरादा इन लोगों ने कर लिया है। तो इसमें जो विंग के साथ एक लड़की टकरा जाती है जिसका नाम पैम होता है और वो विंग से टकरा जाती है। तो विंग उसको देखता है तो वो पैम जो विंग को बोलती है, विंग थैंक गॉड, वो विंग को देखकर खुश हो जाती है और बोलती है, विंग थैंक गॉड तुम मुझे मिल गए, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रही थी। तो विंग बोलता है, तुम मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी। तो पैम बोलती है, मैं तुम्हें पहले लाइब्रेरी में ढूंढ रही थी क्योंकि तुम अक्सर लाइब्रेरी में ही होते हो। तो विंग जो बोलता है, हाँ आज मेरा लाइब्रेरी में कोई काम नहीं था तो मैं आज नहीं गया। तो फिर पैम जो विंग को देखती है और बोलती है, विंग तुम आज तुम्हारे पीछे कोई आने वाला है, हाँ और उसके फेस पे जो स्माइल होती है। तो विंग जो पैम को पैम के फोड़े पे थप्पड़ मारता है और बोलता है, तुम जिसकी खुशी में हो ना वो आज नहीं आने वाले, ओके। तो पैम जो बोलती है, क्या मतलब तुम्हारा भाई नहीं आएगा तुम्हारे पीछे। तो विंग जो सर हिलाता है और बोलता है, नहीं क्योंकि भाई की आज मीटिंग है। तो विंग तो पैम जो मुँह बना लेती और सर सा मुँह बना लेते हैं। तो अचानक से पैम की नज़र जो स्कूल की मेन गेट पर पड़ जाती है तो वो पैम जो फिर हंसने लग जाती है। तो विंग और विंग के सारे दोस्त जो पैम को देख रहे हैं, तो विंग के दोस्त तो विंग जो पैम को बताए, तुम क्यों हंस रही हो। तो पैम बोलती है वो देखो सामने मेरे सपनों का राजकुमार आ गया है। तो विंग शॉक में हो जाता है और पैम सपनों का राजकुमार, पैम का सपनों का राजकुमार और कोई नहीं विंग का भाई होता है। विंग जब गेट की तरफ देखता है तो बाइक में एक हैंडसम सा पर्सन बैठा होता है गेट के बाहर, स्कूल के गेट के बाहर खड़ा होता है और वो जो बाइक में बैठा होता है और विंग के इंतजार कर रहा था। विंग जो उस पर्सन को देखता है और विंग के दोस्त जब उसको देखते हैं तो वो शौक में जाते हैं और विंग के दोस्त विंग को देखते हैं और बोलते हैं, विंग ये तुम्हारा भाई है कि क्या है। तो विंग जो बोलता है, भाई है और क्या हो सकता है। तो और तीसरा बोलता है, ये तो ऐसी हरकत करता है, कभी कभी तो मुझे शक होता है कि ये विंग का हस्बैंड है। तो विंग शौक में जाता है, विंग मुझे क्या बोला तुमने। तो वो स्माइल करता है और बोलता है, नहीं कुछ भी तो नहीं, मैंने क्या बोला। तो वो शौक में जाता है कि कहीं विंग ने सुन तो नहीं लिया मैंने जो बोला। तो विंग बोलता है, नहीं तुमने अभी कुछ बोला। तो विंग तो विंग का दोस्त सही रहता है, बोलता है, नहीं मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। तो विंग जो फिर अपने दोस्त को देख के मुँह बना लेता है और पैम जो स्माइल पैम विंग अपने दोस्त को देख रहा होता है, जैसे मुझे पैम विंग का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, विंग 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 मेरी बात सुनो। तो विंग उसको देखता है तो पैम बोलते हैं, विंग प्लीज़ तुम मेरे और अपने भाई के कुछ करो ना, मैं तुम्हारे भाई के साथ दोस्ती करना चाहती हूँ। तो विंग जो बोलता है, दोस्ती करना चाहती हूँ तो जाओ करो, तुम्हें कैसे मना किया है। तो विंग तो पैम बोलते हैं, मुझे डर लगता है उसे। तो विंग बोलता है, तुम्हें डर क्यों लगता है, वो तुम्हें खा तो नहीं जाएगा। तो विंग पैम बोलती है, विंग विंग प्लीज़ तुम उसको मेरी फीलिंग के बारे में बताओ ना। तो विंग बोलते हैं, क्या मैं। तो पैम बोलती है, मतलब तुमने अभी तक अपने भाई को नहीं बताया कि कॉलेज में कि स्कूल में तुम्हें कोई लड़की पसंद करती है, ब्यूटीफुल सी लड़की है, पैम है उसका नाम, उसके जैसा कोई भी नहीं है। तो विंग देख रहा है पैम को और बोलता है, अच्छा तो वो ब्यूटीफुल लड़की कौन है, मैंने तो नहीं देखी अभी तक। तो वो पैम जो विंग की टमी पर पंच मार देती है और बोलती है, क्या बोला तुमने। तो विंग के दोस्त जो हंस रहे होते हैं तो वो पैम जो विंग को मार रही होती है, विंग के शोल्डर पर पंच मार रही होती है, बोलती है, क्या बोला तुमने, तुम मुझे ब्यूटीफुल, तुम्हें मैं ब्यूटीफुल नहीं लगती हूँ। तो विंग जो अपने आप को बचा रहा है और वो दोस्त जो हंस रहे होते हैं, तो विंग भी बोलता है, ओके 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 मैं बता दूंगा भाई को, बट अगर तुम खुद ही बता दो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, भाई उसमें ज़्यादा खुश होंगे। तो पैम बोलती है, मैं मुझे तुम्हारे भाई से डर लगता है, तो प्लीज़ मेरी बात कराओ, तुम फिर मेरा नंबर अपने भाई को दे देना और मुझे बता देना। तो विंग बोलता है कि ठीक है, मैं अपने भाई से बात कर लूँगा और तुम्हें बता भी दूंगा कि भाई का रिएक्शन क्या था। वैसे तो भाई का रिएक्शन सेम ही होता है, क्या पता तुम्हारा बारे में सुनकर भाई थोड़ी सी स्माइल कर दे गलती से
अगर भाई के फेस पर स्माइल आ गई तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई तुम्हारे लिए कोई डिफरेंट फील करते हैं, बट मुझे तो नहीं लगता है कि भाई के दिल में किसी के लिए फीलिंग भी होती होगी। क्या कहते हो तुम? अभी वेंग जो पैम को देख रहा था, पैम जो मुंह बनाई होती है और बोलते हैं, वेंग तुम प्लीज़ तुम प्रॉमिस करो तुम उसको मेरी तारीफ़ ही करोगे ना। तो वेंग बोलता है हाँ तारीफ ही करूँगा, वैसे मुझे तुम्हारी क्या तारीफ़ करनी है। तो वो पैम जो फिर से वेंग को गुस्से से देखने लग जाती है, वेंग को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तो वेंग जो अपना बचाता है, कैसे में ही जो स्कूल का जो चौकीदार होता है वो आता है और बोलता है, वेंग तुम्हारे पीछे तुम्हारा भाई आया है, वो कब से खड़ा है तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है क्या? तुम्हारे पीछे तुम्हारा भाई आया है। तो वेंग जो बोलता है हाँ हाँ मैं आ गया मैंने देख लिया। तो चौकीदार जो बोलता है चलो जल्दी आओ, वो कब से तुम्हारा वेट कर रहा है, बाहर धूप में खड़ा है। तो वेंग जो फिर अपने दोस्तों को बोलता है ओके गाइस मैं जाता हूँ बाय, फोन में बात कर बाय। तो सब दोस्त जो विंग को देख रहे थे और सैड हो जाते हैं, क्योंकि उनका इरादा था कि हम लोग रास्ते में कुछ खा पी कर जाएंगे, विंग को घर पे छोड़ देंगे, बट उनका प्लान जो कैंसिल हो गया। तो वो लोग जो अपसेट थे, आखिर दोस्त दोस्त ही होते हैं। तो विंग जो जाता है अपने भाई के पास और उसी में हमारा सीन कट हो जाता है। हमें बाहर अब स्कूल के बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर विंग का बाइक खड़ा है और वो जो बाइक में बैठा हुआ है और विंग का ही वेट कर रहा है। कैसे में विंग जाता है और विंग जैसे ही जाता है बाहर, तो विंग का बाइक जो विंग को बताया विंग कितनी देर क्यों हुई, मैं कब से खड़ा हूँ। तो विंग जो स्मार करता है और बताए और वो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं ना, तो मैं लाइब्रेरी में था। तो विंग का भाई बोलता है एग्ज़ाम स्टार्ट इतनी जल्दी? तो विंग बोलता है नहीं नहीं अभी 3 मंथ है। तो विंग का भाई बोलता है ओ फिर तो बहुत टाइम है, इसमें तुम्हारी तैयारी हो जाएगी। तो विंग इसे स्मार करता है और बोलता है तो फिर विंग का भाई बोलता है चलो बैठो। और फिर विंग जो बैठ जाता है और विंग का भाई जो बाइक स्टार्ट करता है बूम करके, तो इसमें जो हमारा सीन खत्म हो जाता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं घर का, कि विंग और विंग के भाई ने डिनर कर लिया होता है, रात का खाना खा लिया होता है। और विंग जो अपने रूम में है मैं जाता है विंग का भाई जो लिविंग रूम में बैठा था और लैपटॉप चला रहा था। तो विंग जैसे ही अपने रूम में जाता है, तो विंग जैसे अपने रूम का गेट बंद करता है और अंदर से लॉक लगाने वाला था, कि इसी में विंग देखता है कि विंग के रूम का गेट का लॉक अंदर से टूटा हुआ है। तो विंग जो बोलता है ओह भाई को कितनी बार मैंने बोला कि इस लॉक को ठीक कर दो, पर भाई जो यही बोलता है कि विंग ज़रूरत क्या है, अब ज़रूरत क्या है मुझे अपना रूम अंदर से लॉक करना होता है, और भाई जो यही बोलता है कि ज़रूरत क्या है विंग। तो विंग जो ऐसा बोलता है और विंग जो मुँह बना लेता है और बोलता है भाई हमेशा ऐसे ही बातों कर देते। अब विंग जो बोलता है वैसे भाई की बात ठीक है, मैं अपने रूम को क्यों लॉक कर रहा हूँ, भाई है फिर मैं और मेरा भाई, सिर्फ मैं और भाई ही तो है इस घर में, मेरे रूम में कौन आएगा जो मैं इस लॉक को ठीक करना चाहता हूँ, रहने दो मुझे लॉक की नहीं है ज़रूरत। अब विंग जो ऐसा बोलता है, विंग जो वॉशरूम जाता है और शावर ले लेता है। अब विंग जो जैसे शावर ले लेता है तो विंग देखता है कि विंग ने नाइट ड्रेस नहीं उठाया था। तो विंग बोलता है ओह मेरा नाइट ड्रेस तो बाहर ही रह गया। अब विंग जो बोलता है, विंग जो फिर अपनी बॉडी पर तौलिया लपेट लेता है अपनी कमर पर और अपने वॉशरूम का गेट खोलता है। जैसे वॉशरूम का गेट खोलता है बाहर वॉशरूम से बाहर निकल जाता है, तो विंग शॉक में हो जाता है। विंग देखता है कि विंग का भाई रूम में आया था और वो जो विंग के लिए दूध का गिलास लेकर आया था, दूध लेकर आया था। तो विंग जो अपने भाई को देखता है शॉक में हो जाता है। विंग का भाई जो विंग को ऐसे तोलिए में देखता है तो भी शॉक में हो जाता है विंग को देखता है। तो विंग जो फिर वापस से वॉशरूम की तरफ भाग जाता है और वॉशरूम का गेट बंद कर देता है। और विंग जो बोलता है भाई अंदर आ गए, भाई कैसे अंदर आए? और विंग जो अपने फोड़े पर थप्पड़ मारता है, बोलता है मुझे पहले देख लेना चाहिए था कि भाई कोई है तो नहीं, मैं कैसे भूल गया कि भाई हमेशा दूध लाता है मेरे लिए, मैं कैसे भूल गया कि भाई दूध लाते हैं मेरे लिए। और विंग जो रूम फिर विंग जो अपने वॉशरूम का गेट खोलता है स्लोली सा चुपके से देखता है, तो रूम में कोई भी नहीं था। तो विंग जो बोलता है भाई, विंग आवाज़ देता है भाई भाई आप बाहर हो? तो बाहर रूम के विंग के रूम से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तो विंग फिर गेट खोलता है अपना सर बाहर करता है, देखता है तो कोई भी नहीं था। तो विंग बोलता है मेरे ख्याल में भाई चले गए हैं। तो विंग जो वॉशरूम से बाहर निकलता है और देखता है तो विंग के भाई ने जो विंग के लिए बेड पर ही नाइट ड्रेस निकाल के रख दिया था। तो विंग देखता है और विंग स्माइल करता है और विंग बोलता है भाई एक बार मुझे यहाँ पर बहुत गुस्सा आता है, आपने जो मुझ पर इतनी पाबंदी लगाई है, मुझे आप 8 बजे से 5 बजे के बाद बाहर जाने नहीं देते हो, और दूसरी तरफ आप मेरी इतनी केयर करते हो, तो मुझे जो आप इतना गुस्सा आया होता है वो सारा गुस्सा गायब हो जाता है। और विंग जब ऐसा होकर स्माइल करता है आता है नया ड्रेस पहनता है और विंग की नज़र जो दूध की गिलास पड़ती है और विंग जो फिर स्माइल करता है और जाता है दूध को पीता है। और विंग बोलते हैं आज चॉकलेट फ्लेवर है। और विंग जो फिर उस दूध को बहुत मज़े से पीता है। विंग को अगर हमें दूध का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है, दूध का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो विंग का भाई जो विंग के लिए दूध के फ्लेवर को बदलता रहता है, कभी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर कभी चॉकलेट डालता है तो कभी बनाना, इस तरह करके वो जो डेली ही विंग को दूध पिलाता है। तो विंग जो बहुत मज़े से उस दूध को पी लेता है और बैठ जाता है, अपना मोबाइल उठा लेता है, बेड पर टेक लगा लेता है, अच्छे से बैठ जाता है, अपने बॉडी पर ब्लैंकेट ओढ़ देता है और अपना मोबाइल उठा लेता है और मोबाइल चला रहा होता है, कि इसी में जो विंग को नींद आ जाती है। विंग जो फिर हाँ मुँह खोद के और बोलता है कि मुझे नींद आ रही है और विंग अपना मोबाइल बंद करके रख देता है और लेट जाता है और सो जाता है। जैसे में जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें दिखाते हैं कि विंग के बहुत क्लोज था कोई और वो जो विंग के ऊपर था, विंग जो अपने आँखें विंग जो अपने हाथों को उठाता है उसे शोल्डर पर रखता है, विंग को किसी ने हक किए हुए था, जैसे विंग लेटा हुआ था और कोई एक पर्सन जो विंग के ऊपर था और जो विंग के ने को किस किया जा रहा था, सब किया जा रहा था। विंग जो मुआइन करता है, विंग जो फिर देखता है कि कौन है, तो विंग को जो उसका फेस नज़र नहीं आता है, विंग उसका फेस देखने के लिए विंग अपने हाथों को उठाता है। विंग को उसकी किसिंग बहुत अच्छी लगती है, वो उसे किस कर रहा था, विंग को बहुत अच्छा लग रहा था,
वो पर्सन रिंकू किस कर रहा था, विंग के लिनिक को लेकर रहा था। विंग जो एक जोर से सांस लेता है, विंग को बहुत अच्छा लगता है उसका किस करना। तो विंग देखता है कि वो शर्टलेस है। तो विंग जो अपने हाथों को उठाता है उसके शोल्डर पर रखता है और विंग देखता है कि ये कौन है। विंग को तो सफेद नजर नहीं आता कि वो विंग के लिनिक को किस किया जा रहा था। तो विंग ने विंग उसका फेस नहीं देख रहा था, विंग उसका फेस नजर नहीं आ रहा था। तो विंग जो फिर अपने हाथों को उठाता है बहुत स्लोली सा, विंग नींद में था। विंग बहुत मुश्किल से विंग जो अपने हाथों को उठाता है उसे शोल्डर पर रखता है और उसको पुश करता है, उसका फेस देखता है। तो वो पर्सन जैसे ही अपना फेस उठाता है विंग को देखता है, तो विंग जो उस पर्सन को देखता है विंग शॉक में हो जाता है। और विंग बोलते भाई, विंग शॉक में हो जाता है। वो अचानक से विंग के लिप पर किस करने लग जाता है। विंग अचानक से उठ जाता है और बैठ जाता है। और विंग जो यहाँ वहाँ देख रहा था तो कोई भी नहीं था विंग के पास। और विंग देख रहा था तो विंग निकट भी नहीं था। विंग जो इतना घबरा जाता है, विंग के पूरे पर इतना पसीना होता है, विंग का पूरी बॉडी इतनी हॉट हो गई होती है। तो विंग जो होता है ये सपना था। और फिर विंग जितना घबरा जाता है अपने फोरहेड पर हाथ रखता है, अपने फेस पर हाथ रखता है, विंग को फील होता है। तो विंग जो फिर अपने पसीने साफ करता है, विंग इतना पसीना पसीना हो गया था, विंग इतना डर गया था। अभी बोलता है ये सपना था, इतना पूरा सपना मैंने देखा, मैंने भाई को देखा। ओह गॉड, मैं ऐसे कैसे सपना देख सकता हूँ। अभी विंग जो अपने फेस पर थप्पड़ मारता है और बोलता है विंग कैसे, तुमने आज कितना बुरा सपना देखा, ऐसे कैसे, मैं ऐसे कैसे देख सकता हूँ, नहीं भाई कैसे, भाई मेरे साथ नहीं। ओह अभी विंग जो उठता है, विंग जैसे ही अब वॉशरूम जाने के लिए विंग अपने आप विंग बॉडी से ब्लैंकेट हटाता है और जैसे उठने वाला होता है तो विंग के फिर से बैक में दर्द हो रहा होता है। और विंग जब टाइम देखता है तो सुबह के 6 बज चुके थे। तो विंग बोलता है सुबह का सपना हमेशा सच होता है। और विंग जो घबरा जाता है, फिर विंग सर हिलाता है कि नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, इतना गंदा सपना मैंने देखा, नहीं ऐसे कैसे, मैं इतना गंदा सपना मैंने देखा, इतना बुरा सपना लाला ला। विंग जो ऐसे ही सोचता है और विंग जो अपने विंग बोलता है ये सच नहीं है, ऐसे भी सपना था। और विंग जो इस अपने आपको हमेशा बातें कर रहा था। तो विंग जो वॉशरूम जाने के लिए जैसे अपने बेड से उठता है तो विंग के फिर से बैक में दर्द हो जाता है। और विंग फिर से अपने बैक पर हाथ रखता है और बोलता है आउच, मुझे आज भी दर्द हो रहा है, मुझे फिर से दर्द हो रहा है कि क्यों। अब विंग जो यही सोच रहा था, अब विंग को सपना याद आ जाता है। तो विंग जो सही लाते बोलते नहीं 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 विंग, सपने के बारे में मैं सोचा, तुमने इस सपने को बार बार याद मत करो, बहुत बुरा सपना था। तुम कैसे कैसे देख सकते हो विंग, वो तुम्हारा भाई है, भाई है, वो ऐसे कैसे कर सकता है, तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो उसके बारे में। और विंग जो अपने आप को कोसता है, विंग जिस तरह बातें करता है, और विंग जो बहुत मुश्किल से उठता है वॉशरूम जाता है। इसी में जो हमारा हमें अगला सीन दिखाते हैं कि विंग का भाई जो ब्रेकफास्ट बना रहा था, तो इसी में जो विंग रूम से बाहर निकल आता है और वह निकलता है तो विंग का भाई देखता है। तो विंग जो आज जल्दी उठ गया था, विंग जो विंग का भाई शॉक में हो जाता है। फिर विंग जो नीचे आता है देखता है तो विंग का जो भाई है वो ब्रेकफास्ट बना रहा था। तो विंग जो अपने भाई को देख रहा था और विंग से नीचे अब विंग को वो सपना याद आ रहा था। तो विंग जो अपनी आंखों को नीचे किए थे यहाँ वहाँ देख रहा था और नीचे और किचन में भी जा रहा था। किचन जो उनका ओपन किचन था, सामने ही किचन था, तो जो खाना पकाता है वो उनका ओपन किचन था। तो विंग को जो नज़र आ रहा था कि विंग का उसका भाई लगा है ब्रेकफास्ट बना रहा है। तो विंग जो अपने भाई को देख भी रहा था और जा भी रहा था किचन में, जिसमें जो विंग का भाई बोलता है विंग अरे तुम जल्दी उठ गए, तो विंग जो फेस स्माइल करता है। और विंग जो अपने भाई को देख भी नहीं पा रहा था क्योंकि विंग को वही सपना बार बार याद आ रहा था। और विंग को जो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था उस सपने को याद करना, क्योंकि विंग ने सपने में अपने आप को भी निकट देखा था और अपने भाई को भी निकट, और ये दोनों जो बहुत ज़्यादा क्लोज थे। तो विंग को जो वो सपना बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, विंग बहुत बुरा फील करता है कि मैं ऐसे कैसे सपना देख सकता हूँ। और विंग जो बहुत बुरा फील कर रहा था और विंग जो अपने भाई को देख रहा था, तो विंग का भाई जो विंग को स्मार्ट विंग को देखता है और बोलता है अच्छा बोले तुम उठ के आओ मेरी हेल्प करो। तो विंग जो अपने भाई को देखता है और बोलता है अभी विंग जाता है, विंग के जाता है। तो विंग का भाई विंग को ब्रेड दे देता है और बोलता है इनको फ्राई करो मशीन में। तो विंग जो फिर एक एक ब्रेड को मशीन में डालता है। और विंग का भाई जो कॉफ़ी बना रहा था, तो विंग जो बार बार अपने भाई को देख रहा था और विंग को सपना याद आ रहा था। तो विंग जो फिर से अपनी नज़रें हटाकर और आँखें बंद करके अपने आप को कोसता था कि विंग उस सपने के बारे में मैं सोचो। और विंग जो ये बोल रहा था, तो इसमें जो विंग का ब्रेकफास्ट रेडी हो जाता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं कि विंग और विंग का भाई जो ब्रेकफास्ट डाइनिंग टेबल पर लगा देते हैं और विंग का भाई जो चेयर पर बैठ जाता है। तो विंग जैसे ही बैठ रहा था, विंग फिर से आउट करता है। तो विंग जब आउट करके बैठ जाता है तो विंग अपने भाई को देखता है। तो विंग का भाई तो विंग को बोलता है तुम्हें फिर से दर्द हो रहा है। तो विंग बोलता है हाँ पता नहीं मुझे क्यों दर्द होता है। तो विंग का भाई बोलता है विंग पेन किलर। तो विंग बोलता है भाई आपको नहीं लगता है कि मुझे डेली दर्द होता है तो मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो विंग का भाई विंग को देखता है, वो बिल्कुल शॉक में हो जाता है। तो विंग अपने भाई को देखता है। तो विंग जब अपने भाई को देखता है तो विंग को फिर से सपना याद आता है। तो विंग जो अपनी आँखें नीचे कर देता है और अपने आप को फिर से कोस रहा होता है कि विंग सपने के बारे में बार बार क्यों सपने को याद कर रहे हो। विंग ऐसे ही दिल में बोल रहा होता है कि इसमें जो विंग का भाई बोलता है कि विंग ये सिर्फ दर्द है, इसमें अगर तुम्हें इसमें डॉक्टर के पास जाना हो ऐसी बेवकूफ़ी होगी, पेन किलर से आराम मिल जाता है ना, तो तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके तो विंग जो फिर सर हिलाता है और बोलता है ओके।
विंग अपने भाई को देखता नहीं है, बस सर हिलाता है, बोलता है ओके। तो फिर विंग का भाई बोलता है विंग ब्रेकफास्ट करो। तो विंग का भाई जो विंग को ब्रेकफास्ट देता है तो विंग करीब करता है कॉफ़ी, विंग जैसे ही उस कॉफ़ी को उठाता है पीने के लिए तो विंग को जो कॉफ़ी की स्मेल आ जाती है तो विंग को जो वो स्मेल बहुत बुरी लग जाती है। तो विंग को जो विंग फिर वो कॉफ़ी का कप वापस रख देता है। तो विंग का भाई देख रहा था, विंग भाई बोलता है विंग क्या हुआ? तो विंग बोलता है मेरा ब्रेकफास्ट को दिल नहीं कर रहा है। तो विंग तो भाई बोलता है क्या? तो विंग बोलता है हाँ मेरा दिल नहीं कर रहा है। तो भाई बोलता है दिल नहीं कर रहा है क्यों, क्या हुआ? अभी विंग का भाई तो विंग के फोरहेड पर हाथ रखता है तो विंग का विंग का बॉडी टेम्परेचर चेक करता है, विंग का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल था। तो विंग बोलता है तो भाई बोलता है तुम्हारा बॉडी तुम्हें तो फीवर नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेकफास्ट को दिल नहीं कर रहा है। तो विंग बोलता है नहीं मुझे फीवर नहीं है, वैसे ही पता नहीं मुझे मेरा आज ब्रेकफास्ट करने का दिल नहीं कर रहा है। तो विंग का भाई बोलता है ऐसे कैसे दिल नहीं कर रहा है, तुम्हें कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा, चलो ब्रेड खा लो। तो विंग ब्रेड को उठाता है और ब्रेड से एक बाइट करता है। तो विंग को उसको भी खाने का दिल नहीं करता, दूसरा बाइट विंग नहीं करता है। तो विंग का भाई जो देख रहा था तो फिर विंग जो ब्रेड से भी बाइट नहीं करता है, दूसरी बाइट नहीं करता है, बोलता है मेरा दिल नहीं कर रहा है। और विंग जो ब्रेड भी वापस रख देता है। तो विंग तो भाई देख रहा था फिर बोलता है ऐसे मत जाओ विंग, फ्रूट्स खा लो। तो विंग बोलता है मेरा फ्रूट्स को भी दिल नहीं कर रहा है भाई, अब मैं कैंटीन में कुछ खा लूँगा। तो विंग ऐसा बोलता है और विंग अपना बैग उठा लेता है और बोलता है ओके भाई मैं जाता हूँ। तो विंग का भाई बोलता है बट ब्रेकफास्ट बट लंच कर लेना ओके, कुछ ना कुछ खा लेना। तो विंग तो बोलता है हाँ हाँ मैं कुछ ना कुछ कैंटीन में खा लूँगा, क्या पता तब तक मेरा दिल भी क्या पता तब तक मुझे भूख भी लग जाए, कुछ ना कुछ खा लूँगा। तो विंग का भाई बोलता है ओके। तो फिर इसमें जो हमारा सीन कर जाता है, हमें कॉलेज हमें स्कूल का सीन दिखाते हैं। विंग जो अपनी क्लास में था, विंग हेडन हुआ था और विंग ने डेस्क के ऊपर अपने हाथ रखे थे और अपने हाथ के ऊपर अपना सर रखा था, मतलब हेडन हुआ था। और विंग तो सो गया था क्लास में, जो टीचर लेक्चर दे रही होती है, टीचर जो एक क्वेश्चन करती है तो अक्सर उस हर क्वेश्चन का जवाब जो विंग देता है, बट आज जो उस क्वेश्चन का जवाब कोई नहीं दे रहा था। तो टीचर जो देख रही थी कि आज विंग नहीं है, तो टीचर की नजर जो विंग को ढूंढ रही होती है, तो टीचर देखती है कि विंग तो क्लास में सोया हुआ है। तो टीचर शॉक में हो जाती है क्योंकि विंग कभी भी नहीं सोता है। तो फिर टीचर को थी कि टीचर की विंग की करीब आती है और विंग जो हैरान हुआ था और विंग सोया था, सब जो विंग को देखने लग जाते हैं क्योंकि टीचर उसके पास खड़ी थी और टीचर जो विंग के फोरहेड पर हाथ रखती है, विंग कभी बार चेक कर रही थी। विंग का विंग की बॉडी थोड़ी सी हॉट थी, ज़्यादा नहीं थी थोड़ी सी थी। तो फिर टीचर जो विंग के शोल्डर पर हाथ रखती है और विंग को बोलती है विंग 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 जो जाग जाता है और बताया हाँ। तो टीचर विंग को देखती है, टीचर बोलती है विंग तबीयत ठीक है तुम्हारी? तो विंग स्माइल करता है, अपनी आंखों को रब करता है, बोलता है हाँ ठीक है। तो टीचर बोलती है तो फिर तुम्हारे क्यों सो रहे हो क्लास में? तो विंग सॉरी टीचर मुझे पता नहीं चला, आई एम सॉरी। तो टीचर बोलती है इस ओके, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम हैरान हो सकते हो, हैरान हो जाओ। तो विंग बोलता है नहीं मेरी तबीयत ठीक है, मैं ठीक हूँ। तो विंग टीचर जो फिर विंग को देखती है स्माइल करती है। तो टीचर जो फिर अपनी लेक्चर फिर से टीचर जो फिर से क्लास पढ़ाना शुरू कर देती है। जैसे जो विंग के दो जो विंग को देखते हैं और इशारा करते हैं कि क्या हुआ? तो विंग सर हिलाता है कि नहीं कुछ नहीं। किसी दौरान जो विंग की नज़र सामने जॉन जो फर्स्ट चेयर पर बैठा होता था फर्स्ट डेस्क पर, विंग की नज़र उस पर जाती है, वो जो विंग को देख रहा था शॉकिंग नज़र से और उसके देखने से पता चल रहा था कि वो वरिड हो गया है विंग के लिए। और जो विंग को देख रहा था तो विंग जो उसको देखता है और जो फिर जॉन जो देखता है कि विंग मुझे देख रहा था, जॉन फिर अपनी नज़रों को हटा देता है और फिर से सामने देखने लग जाता है। तो विंग देख रहा था कि जॉन ने फिर से उसकी नज़र हटा दी। तो इसमें जो हमारे सीन करा जाता है, हमें अगले सीन दिखाते हैं कि लोग कैंटीन में बैठे हुए थे और विंग ने जो ब्रेकफास्ट नहीं किया था और विंग जो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, सब दोस्त भी लंच कर रहे थे बट विंग ने अपने लिए कुछ भी नहीं लाया था क्योंकि विंग का दिल ही नहीं कर रहा था। तो उसके दोस्त जो विंग को बोलते हैं विंग तुम आज क्यों लंच नहीं कर रहे हो, कुछ तो खा लो। तो विंग बोलता है नहीं कुछ भी नहीं, मेरा किसी चीज़ को दिल नहीं कर रहा है। और विंग जो अपने दोस्तों को देख रहा था तो विंग को बहुत अजीब सा फील हो रहा था, मतलब विंग उनको खाते हुए देख रहा था तो विंग को अच्छा नहीं लग रहा था, बट विंग उनको नहीं बताता है कि तुम लोग खा रहे हो तो मुझे गुस्सा आ रहा है, बट विंग उनको ये नहीं बताता है। बट विंग के दोस्त जो लंच कर रहे थे तो विंग को बहुत अजीब सा फील हो रहा था, विंग को वॉमिट आ रही थी, विंग जो उनको नहीं बताते हैं, विंग जो उनको नहीं विंग उनसे नज़र को इधर उधर करता है, वो लोग लंच कर रहे थे। तो इसमें जो विंग की नज़र विंग जो अपनी नज़रों को इधर उधर करता है, अपने दोस्तों को खाते हुए नहीं देख सकता था क्योंकि विंग को वॉमिट आ रही थी। तो विंग जो अपनी नज़र को इधर उधर करता है तो विंग की नज़र जॉन पर पड़ जाती है। जॉन जो खा रहा था लंच कर रहा था और विंग को ही देख रहा था और जॉन जो विंग के बिल्कुल सामने बैठा था, सामने वाले टेबल पर बिल्कुल विंग के सामने बैठा था। और विंग जो जैसे जॉन को देख लेता है कि जॉन मुझे देख रहे हैं तो जॉन फिर से अपनी नज़र को इधर जॉन फिर से अपनी आंखों को नीचे कर देता है और लंच कर रहा होता है। तो विंग जो सर लाता है कि ये बस इस तरह देखता ही है मुझे, ये अपनी फीलिंग बताएगा कि ये मेरे लिए फील क्या करता है, या मैं खुद ही इससे पूछूं? नहीं मैं इसे कैसे पूछ सकता। विंग जो जॉन को देख रहा था, जॉन जो लंच करते करते जॉन फिर से विंग को देखता है और फिर से विंग से नजर हटाता है। तो विंग जो विंग को गुस्सा आ जाता है, विंग जो फिर वो खड़ा हो जाता है, विंग जो खड़ा हो जाता है जा रहा है तो विंग के दोस्त विंग को बोलते विंग कहाँ उसमें स्मार करता है और बताए वॉशरूम जा रहा था, वॉशरूम जा रहा हूँ। तो दोस्त बोलते हैं ओके। तो विंग जो ऐसा बोलता है विंग जैसे अपना फेस आगे करता है तो विंग को चक्कर आने लग जाते हैं। विंग बहुत मुश्किल से अपने आप को संभालता है, विंग के अचानक से आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है और विंग को जो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, विंग अपनी बहुत कोशिश करता है कि ये क्या हो गया, कि ये क्या हो रहा है। विंग जो अपनी आंखें खोलता है देखता है तो विंग को जो चक्कर आ रहे थे, तो विंग को जो चक्कर आके विंग अचानक से गिर जाता है और विंग जैसे गिर जाता है तो विंग के दोस्त इतनी शॉक में हो जाते हैं और
जॉन जो जॉन जब देखता है कि विंग बेहोश हो गया तो जॉन भागते हुए आता है विंग के पास। तो देखता है विंग का फेस बिल्कुल पीला पड़ गया था। जॉन उनको बताया कि इसको हॉस्पिटल लेके जाना होगा। ऐसे कैसे विंग को क्या हो गया, विंग ऐसे कैसे बेहोश हो गया। वो जॉन जो विंग को गोद में उठा लेता है। सब विंग के सब दोस्त सब स्टूडेंट जो देख रहे होते हैं जॉन जो विंग को गोद में उठाकर विंग को बस भागते हुए हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था। सब जो शौक में थे और जॉन को ही देख रहे थे और जॉन ने जो विंग को कैरी किया था लेकर जा रहा था। तो इसमें जो हमारा सीन कर जाता है, हमें अगले सीन दिखाते हैं, हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं कि विंग का भाई जो भागते हुए जाता है हॉस्पिटल और विंग के पास जाता है। तो विंग जो विंग को जो ड्रिप लगी हुई थी और विंग देखता है कि भाई आया है। तो विंग जो स्वाइन करता है अपने भाई को देखकर, तो विंग का भाई जो विंग के पास आता है और बोलता है विंग विंग कैसे हो तुम और तुम बेहोश हो गए थे। तो विंग ऐसा हिलाता है बोलता है हाँ। तो विंग तो भाई बोलता है कैसे बेहोश हो गए। तो विंग बोलता है पता नहीं भाई, मुझे पता नहीं चला, मुझे नहीं पता मैं कैसे और क्यों बेहोश हुआ, मेरी जब आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। तो विंग जो फिर जॉन को देखता है, अपने दोस्तों को देखता है और बताया ये लोग मुझे यहाँ पर लेकर आए थे। तो विंग का भाई जो फिर विंग के दोस्तों को थैंक्स बोलता है कि थैंक्स से तुम उसको ले आए, थैंक यू। तो विंग जो स्माइल करता है अपने दोस्तों को देखते विंग के दोस्त स्माइल करते। तो इसमें जो सिस्टर आ जाती है और विंग के रिपोर्ट जो उसके पास पकड़े हुए थे और वो आती है विंग के पास और विंग को देखती है और बोलती है विंग कैसे हो तुम। तो विंग जो स्माइल करता है बताया ठीक हूँ मैं। तो सिस्टर बोलती है तुम्हारी रिपोर्ट आ गए, ये है तुम्हारी रिपोर्ट। तो फिर विंग का भाई सिस्टर को बताया रिपोर्ट कैसी रिपोर्ट, विंग तो सिर्फ बेहोश हुआ था ना। तो सिस्टर बोलती है हाँ विंग बेहोश हुआ था, डॉक्टर ने कुछ ब्लड टेस्ट करने के लिए कहा था तो हमने फिर इसे ब्लड टेस्ट भी करवाए और इसने बताया कि इसके बैक में भी बहुत दर्द होता रहता है तो इस वजह से जो हमने इसके टेस्ट करवाए। तो विंग का भाई जो शौक में हो जाता है और विंग को देखता है और विंग जो अपने भाई को देखता है। तो विंग बोलता है भाई मैंने डॉक्टर को बताया कि मुझे बैक में बहुत दर्द होता है। तो विंग का भाई जो पहले शौक में था और फिर विंग जो अपने भाई को देख रहा था और फिर विंग बोलता है भाई मैंने क्या गलत किया। तो विंग विंग का भाई स्मार्ट करता है और फैक्स स्मार्ट करता है और बताया नहीं तुमने अच्छा किया डॉक्टर को बता दिया, अब तुम ठीक हो जाओगे। तो इसमें जो सिस्टर रिपोर्ट खोल देती है, सिस्टर बोलती है ये क्या, सिस्टर शौक में जाती है। तो विंग का भाई सिस्टर को देखता है, विंग सिस्टर को देखता है, विंग की दूसरे सिस्टर को देखते हैं। तो ये सिस्टर जो थी शौक में थी और रिपोर्ट देख रही थी। तो विंग बोलता है सिस्टर क्या हुआ, सिस्टर बोलती है विंग तुम प्रेग्नेंट हो। तो विंग शौक में हो जाता है, विंग बोलते क्या। तो सिस्टर जो विंग को देख रही थी और सर हिलाती है कि हाँ, और विंग जो सिस्टर को देखता है इतनी शौक में था और फिर भी भाई को देखता है और विंग का भाई जो विंग को देख रहा था शौकिंग नजर से और विंग जो अपने भाई को देख रहा था। तो इसमें जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि विंग जो अपने घर में था और वो लिविंग रूम के सोफे पे बैठा हुआ था और विंग का भाई जो विंडो के पास खड़ा था, उसने अपना हाथ पीछे बांधा हुआ था और जो विंडो के बाहर देख रहा था। विंग जो बहुत टेंशन में था, यहाँ वहाँ देख रहा था और विंग बोल रहा था मैं प्रेगनेंट कैसे हो सकता हूँ, मुझे तो मैं कैसे प्रेगनेंट हो सकता हूँ। और विंग की नज़र अपने भाई पर जाती है और बताए विंग बताए कि भाई क्या सोच रहा होगा। विंग जो अपने भाई को देखता है और भाई का फेस जो विंडो की तरफ, भाई की जो बैग थी विंग की तरफ, विंग जो है खड़ा हो जाता है और भाई के पास जाता है और विंग जिनमें बोलता है भाई मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। विंग सोच रहा होता है, विंग अपने भाई के पास जाता है और भाई के पीछे खड़ा हो जाता है और बोलता है भाई, विंग की आंखों में आंसू थे गुस्से में। तो विंग बोलता है भाई मुझे नहीं पता कि मैं कैसे प्रेगनेंट हुआ, मेरा ऐसे किसी के साथ भी रिलेशन नहीं है, मेरे सच में कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, आप प्लीज़ मुझ पर यकीन कीजिए, मेरा ऐसा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। आपके सामने ही मैं रात को 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलता हूँ, स्कूल के बाद घर, आपको तो पता है ना मुझे नहीं पता मैं कैसे प्रेगनेंट हुआ भाई, वो रिपोर्ट गलत होगी, क्या पता वो किसी और की रिपोर्ट हो। अभी जो ऐसा बताया तो विंग देखता है तो उसे भाई जो विंग को नहीं देख रहा था, विंग जो बताए विंग रोने लग जाता है। विंग बताए भाई सच में मुझे नहीं पता कि मैं ऐसे कैसे प्रेगनेंट हो गया, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं सच में कुछ भी नहीं जानता हूँ कि मैं कैसे प्रेगनेंट हो गया, आप प्लीज़ मुझ पर यकीन कीजिए, मेरा ऐसा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा ऐसे किसी के साथ रिलेशन नहीं है। और फिर विंग जो घुटनों के बल बैठ जाता है, अपने हाथों को जोड़ देता है और बताए भाई मुझे माफ़ कर दीजिए मैंने आपका दिल दुखाया है, पर सच में भाई मुझ पर यकीन कीजिए, मैं मुझे कुछ भी नहीं पता। तो विंग का भाई जब अपना फेस पलटता है पीछे देखता है तो विंग जो घुटनों के बल खड़ा था। तो विंग तो उसे भाई जो विंग किसान से विंग के पास जाता है और विंग को खड़ा करता है, बोलता है विंग घुटनों के बल मत बैठो, तुम्हारे लिए ऐसा बैठना ठीक नहीं है, तुम प्रेगनेंट हो। तो विंग जो शौक होता है, विंग कहता है भाई सच में मुझे नहीं पता। तो विंग जो रो रहा था अब रोते हुए बोलता भाई प्लीज़ मुझ पर यकीन कीजिए। तो उसे भाई जो विंग की आंखों को साफ करता है, विंग के आंसू साफ करता है और बोलता है विंग आई एम सॉरी विंग, मुझे माफ़ कर दो, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तो विंग जो अपने भाई को देखता है और विंग का भाई विंग को देखता है तो इसमें जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं, हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाते हैं। 3 दिन बाद हमें दिखाते हैं कोर्ट जहाँ पर मैरिज होते हैं, कोर्ट में हमें कोर्ट दिखाया जाता है। विंग और जॉन जो कोर्ट में खड़े थे और वो जो एक वकील के सामने खड़े थे और विंग जो उस वकील के साथ लड़ रहा था और यही बोल रहा था कि मुझे करनी है शादी जॉन के साथ तो आप मुझे कैसे मना कर सकते हो। तो वकील बोलता है क्योंकि तुम अभी तक 18 साल के नहीं हुए हो तो तुम्हारी सर शादी नहीं हो सकती है।
तो वही होता है, मैं जानता हूँ मैं 18 का नहीं हूँ, बट मैं करना चाहता हूँ जॉन से शादी, मुझे जॉन से शादी करनी है, अभी कभी हमारी शादी करवाइए। तो जो वकील जो सर आता है, वकील सर आता है कि नहीं आपकी शादी नहीं हो सकती है, ये कानून के खिलाफ है, और अगर मैंने करवा दी तो मुझ पर के मुझ मेरी जॉब चली जाएगी, मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ, मैं अभी शादी नहीं करवा सकता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए, आप 18 से अभी तक आपकी एज 18 साल नहीं हुई है और मैं सर आपकी शादी नहीं करवा सकता हूँ, तो प्लीज़। तो भी जो देख रहा था तो ऐसे में जो कॉल आ जाती है, विंग मोबाइल की तरफ देखता है, तो विंग जब देखता है कि किसकी कॉल है तो विंग को गुस्सा आ जाता है, विंग उसका को कट कर देता है, मतलब उठाता नहीं है, तो विंग कट कर देता है, तो फिर से उसी पर्सन की कॉल आती है, विंग फिर से देखता है तो विंग को, विंग का फिर से गुस्सा आता है, जॉन जो विंग के पास खड़ा था, जॉन विंग को देखता है, जॉन बोलता है विंग किसकी कॉल है, तो विंग जो मोबाइल दिखाता है जॉन को बोलता है इसकी कॉल है, तो जॉन देखता है, जॉन घबरा जाता है, तो फिर जॉन विंग को देखता है, जॉन बोलता है विंग अब क्या होगा, हमारी तो कोर्ट मैरिज नहीं हो सकती है, तो विंग जो बोलता है क्यों नहीं हो सकती है, हो सकती है, और विंग जो फिर से वकील को बोलता है कि मैं आपको कह रहा हूँ आपको जितने पैसे चाहिए मैं आपको पैसे दूंगा, आप मेरी एज 18 साल लिख लो, जरूरी तो नहीं है कि आप मेरी रियल एज लिखो, तो वो वकील बोलता है मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, आपको समझ क्यों नहीं आता है, अगर आपको शादी करनी है तो आप वेट कर सकते हो, आपको वेट करना होगा, मैं आपकी शादी नहीं करवा सकता, आई एम सॉरी। तो विंग जो उसको देख रहा था कैसे में जो फिर से कॉल आ जाती है, विंग जो कॉल अटेंड नहीं कर रहा था और कॉल काट रहा था, और विंग वकील को बोला था कि मेरी शादी हमारी शादी करवाओ, बट वकील बात नहीं सुन रहे थे, तो इसमें जो लिया तो विंग वकील को बताया कि मेरी एज मुझे पता है मैं 18 साल से कम हूँ बट मैं प्रेगनेंट हूँ तो मुझे शादी करना जरूरी है, तो वकील बोलते क्या, तो विंग बोलता है हाँ प्लीज़ आप कुछ कीजिए ना, आप मेरी और जॉन की शादी करवा दीजिए, तो वो वकील जो विंग को देख रहा था और गुस्से में था और बोला था तुम प्रेगनेंट हो इतनी जल्दी, तुम्हें प्रेगनेंट तुम 18 साल की नहीं हो और तुम प्रेगनेंट हो गए, तुमको थोड़ा सा वेट करना चाहिए था इतनी छोटी सी उम्र में, और फिर वो वकील जो बोलता है आजकल के लड़के बिना इतनी सी छोटी सी उम्र में जो क्या कर रहे क्या कर लेते, थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल कर लेते तो आज ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो विंग जो उस वकील की बात सुनता है विंग को गुस्सा आ रहा था, तो जॉन जो इसी में जो विंग का हाथ पकड़ लेता है, विंग जो गुस्सा था इसमें जो जॉन विंग का हाथ पकड़ लेता है, और विंग जब देखता है जॉन को तो विंग जॉन को बताए जॉन क्या होगा अब मैं क्या करूँ, तो जॉन जो विंग को देखता है और बताए विंग तुम डरो मत मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, बस हमें थोड़ा वेट करना होगा, जैसे ही मैं तुम 18 के हो जाएंगे तो हम फिर शादी कर लेंगे, और जहाँ तक बात है इस बेबी की तो ये हमारा बेबी है, मेरा और तुम्हारा, तो इसमें जो पीछे से आवाज़ आती है कि बिल्कुल भी नहीं ये तुम्हारा बेबी नहीं है, तो विंग और जॉन जो ये आवाज़ सुनते हैं, तो विंग और जॉन देखते हैं कि किसने बोला, तो विंग जॉन जब उस पर्सन को देखते हैं तो वो पर्सन जो गुस्से में था वो जो गुस्से से आता है, विंग जॉन जो घबरा जाते हैं वो दोनों एक दूसरे हाथ छोड़ देते हैं, विंग उस पर्सन को देखते इतना घबरा जाता है, और वो पर्सन जो विंग के करीब आ रहा करीब जाता है, विंग के पास जाता है, विंग जो पीछे की तरफ जा रहा, तो वो पर्सन जो विंग को बताए विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो इसमें जो पीछे से वकील इसमें जो वकील आ जाता है, तो वो वकील जो बताए आप अच्छा वो आप आगे ये दोनों जो यहाँ पर कोर्ट मैरिज कर रहे थे, तो वो पर्सन जो विंग को देखा था और वो विंग का हाथ पकड़ता है और बताया विंग तुम शादी कर रहे हो वो भी जॉन से, तो विंग जो उस पर्सन को गुस्से से देख रहा था और बोला था हाँ मैं कर रहा हूँ इससे शादी क्योंकि मैं प्रेगनेंट हूँ, तो अब मुझे मैरिज करनी है, मुझे शादी करनी होगी ताकि इस बेबी को फादर का नाम मिल सके, तो विंग जो ऐसा बोलता है और उस पर्सन को देखता है, तो वो पर्सन जिसने विंग का हाथ पकड़ा था वो गुस्से से विंग का हाथ खींच लेता है और बोलता है फादर फादर इसका मैं हूँ, तो तुम किसी और को क्यों इसके फादर बना रहे हो, तो विंग जो बोलता है आप नहीं हो इसके फादर, तो वो पर्सन जो विंग के शोल्डर को पकड़ता है और विंग को अपने झटक के अपने सामने खड़ा कर देता है और बोलता है मैं ही हूँ इसका फादर, तो मेरे बेबी में प्रेगनेंट हो तो तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते हो, ये बेबी भी मेरा है और तुम भी मेरे हो, तो विंग जो उस पर्सन के हाथों को अपने शोल्डर से हटाता है और बोलता है छोड़िए मुझे, वो पर्सन जो विंग का फिर से हाथ पकड़ता है और विंग को खींचते हुए ले जाता है, विंग को खींचते हुए विंग को खींच जाता है, बोलता है विंग चलो घर चलो, विंग अपने आप को खींचता है बोलता है मैं घर नहीं जाऊँगा मैं आपके घर नहीं जाऊँगा, तो विंग तो वो पर्सन विंग को देखता है और बोलता है विंग चलो घर, विंग बोलता है मैं नहीं जाऊँगा, तो वो पर्सन जो विंग को गोद में उठा लेता है और बोलता है कैसे नहीं चलोगे घर तो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती लेकर जाऊँगा, और विंग वो पर्सन जो विंग को गोद में उठा लेता है प्रिंसेस स्टाइल में, और विंग जो लाते मारा था उसको उससे अपने आप को चला था और ये छोड़िए मुझे मुझे नीचे उतारिए मैं आपको कह रहा हूँ मुझे नीचे उतारिए, और विंग जो उस पर्सन के शोल्डर पर पंच मारा जाता और उसने जो विंग को गोद में उठाया था और उसे लेकर जा रहा था, तो विंग बोलता है छोड़िए मुझे भाई भाई मैं आपको कह रहा हूँ मुझे छोड़िए, तो विंग तो वो पर्सन जो विंग को बताया विंग कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है कि मुझे भाई मत बोला करो, तो विंग जो उस पर्सन को देखता है गुस्से से और वो पर्सन विंग को बताए भाई नहीं हूँ मैं तुम्हारा, मेरा नाम लैंजैन है लैंजैन बोलो मुझे भाई मत बोलो, तो विंग जो उस पर्सन को देखता है वो पर्सन जो विंग का भाई था और विंग का भाई और कोई नहीं लैंजैन था, विंग लैंजैन को देखता है और विंग जो पहले तो शौक में था और लैंजैन ऐसा जो विंग को ला रहा था और विंग जो फिर से लैंजैन को पंच मार रहा था और बोला था नहीं बोलूंगा मैं आपको लैंजैन आप मेरे भाई हो मैं आपसे नफरत करता हूँ मैं आपको कुछ छोड़िए मुझे मुझे नीचे उतारिए मुझे आपके साथ आपके घर नहीं जाना है मुझे नीचे उतारिए, तो इसी में जो हमें अब फिर से पीछे का सीन दिखाते हैं हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जो विंग को पता चल गया था कि विंग प्रेगनेंट है, तो विंग जो अपने भाई से माफ़ी मांग रहा था और विंग जो बहुत रो रहा था तो विंग का भाई जो विंग के आंसू साफ कर रहा था, तो उस टाइम फिर क्या हुआ था, तो विंग के भाई जो लैंजैन है उसने जो विंग के आंसू साफ कर रहा था और विंग को बोल रहा था विंग रो मत विंग, तो विंग जो रो रहा था बोला था भाई मैं सच में मुझे नहीं पता कि मैं कैसे प्रेगनेंट हो गया मैं झूठ है मैं कैसे प्रेगनेंट हो सकता हूँ मैं प्रेगनेंट नहीं हूँ, तो लैंजैन
जो विंग के हाथ से साफ करता है, विंग का फेस पकड़ता है और बताया विंग तुम प्रेगनेंट हो, वो रिपोर्ट झूठी नहीं है। तो विंग जो सर हिलाता है और बताए भाई भाई सच में मैंने किसी के साथ मेरा ऐसे किसी के साथ रिलेशन नहीं था भाई, सच में भाई आप मुझ पर यकीन कीजिए। तो लेंजर होता है, लेंजर से विंग के हाथ से साफ करता है और बताया विंग विंग तुम माफ़ी मत मांगो, विंग मुझे तुम पर भरोसा है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है विंग। तो विंग जो रोता है और बोलता है आई एम सॉरी भाई आई एम सॉरी मैंने। तो लेंजर जो विंग के हाथ से साफ करता है और बताया विंग तुम सॉरी मत बोलो भीम आई एम सो सॉरी, सॉरी मुझे बोलना चाहिए, माफ़ी मुझे मांगनी चाहिए, मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, मैंने आई एम सो सॉरी मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए भीम मुझे माफ़ कर दो। और लेंजन जो रोने लग जाता है, लेंजन की आँखें आंसू से भर आते हैं, भीम शौक में होता है, भीम बोलता है भाई भाई आप क्यों सॉरी बोल रहे हो, मैंने गलती की है और जो मुझे याद ही नहीं है। तो लेंजन भीम को देखता है, लेंजन बोलता है भीम गलती तुमने नहीं की है, गलती मैंने की है। तो विंग शौक में था, विंग लेंजन को देख रहा था और विंग शौक में था, विंग बताए मतलब। तो लेंजन बताए विंग विंग आई एम सॉरी विंग मुझे माफ़ कर दो, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तो विंग शॉकिंग नजर से लेंजन को देख रहा था और लेंजन जो बताए विंग मैं आज तुम्हें सच बताना चाहता हूँ, तुम मेरे बेबी में प्रेगनेंट हो। तो विंग को इतना बड़ा झटका लग जाता है, विंग इतने शौक में हो जाता है और लेंजन को जो इतनी शॉकिंग नज़र से देख रहा था बिल्कुल विंग फ्रीज हो जाता है। लेंजन जो अपने हाथ जोड़ता है और बताया विंग आई एम सॉरी विंग मुझे मैं जानता हूँ मैंने गलत किया है बट प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं तो पता कि तुम प्रेगनेंट हो जाओगे, आई एम सॉरी विंग। तो विंग जो लेंजन को देख रहा था और लेंजन जो सॉरी बोल रहा था, विंग जो बस शौक में था, लेंजन यही बोल रहा था कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैंने तुम्हारे साथ वो सब कुछ किया है जिससे तुम प्रेगनेंट हो गए हो। तो विंग जो इतना शौक में हो गया था कि विंग अचानक से बेहोश हो जाता है और लेंजन जो विंग को कैंस कर लेता है और विंग को जल्दी से पकड़ लेता है, विंग जो बेहोश था लेंजन विंग को पकड़े हुए था और विंग को बताया विंग के फैसला तब तक पाता है और विंग जो लेंजन की भाव में बेहोश था, लेंजन इतना हर्ट हो गया था, लेंजन विंग को हक कर लेता है और यही बोलता है कि अब क्या होगा, रोते हुए बोलता है कि तुम्हें सच का पता चल गया अब तुम क्या करोगे विंग, विंग आई एम सॉरी विंग मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, आई एम सॉरी विंग। और लेंजन ने विंग को हक किया यही बोल रहा था और इसी में जो हमारा ये सीन यहीं पर कट जाता है, हमारा सीन कट हो गया तो हमारा फैन फिक्शन यहीं पर स्टॉप हो गया। आई एम सॉरी गाइस मुझे लगा ये वन शॉट एफएफ है बट वो तो इतना लंबा हो गया, मुझे नहीं पता चला, लगता है इसका एक और पार्ट बनेगा, शॉर्ट ही है सब कुछ ठीक जल्दी हो जाएगा, मैं मुझे नहीं तो पता है जल्दी हो जाएगा, आई एम सो सॉरी।